अभी जस्ट मैंने अपना जो व्हाट्सएप है वो ओपन ही किया था, और व्हाट्सएप ओपन करते ही एक व्यक्ति का मुझे मैसेज मिला। व्यक्ति ने बताया, सर मैंने आज से 3.5 साल पहले एक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया था, लगभग 2,50,000 रुपए के आसपास का। मैं बस उसको 50,000 रुपया ही रिटर्न कर पाया था, उसके बाद में मैंने कोई भी पैसा रिटर्न नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं फाइनेंशियल वीक हो गया। फाइनेंशियल वीक क्यों हो गया? क्योंकि मेरे ऊपर मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर में चोट लग गई, मैं चलने की स्थिति में नहीं रहा, और जहां पर मैं काम करता था वहां पर फिर मैं काम करने नहीं गया, और जब मैं काम करने नहीं गया तो मेरा इनकम का जो सोर्स है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया। मेरी जो वाइफ थी वो भी हाउस वाइफ थी, वो भी कुछ नहीं करती थी। मेरे साथ में बहुत सारी दिक्कत आई, बहुत सारी परेशानी आई। मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें कि एक व्यक्ति बता रहा था, अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया है और आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, और आप अगर 3 साल तक पेमेंट नहीं करते हैं, तो कोई बैंक एनबीएफसी ना तो आपसे लोन की रिकवरी करेगा, ना ही आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस करेगा, ना ही आपको कोई दिक्कत होगी, ना ही आपको कोई परेशानी होगी। फिर सर मैंने क्या किया, उसकी बातों को सुनकर अच्छे तरीके से उस वीडियो को दोबारा देखा, तो उस वीडियो में उसने बताया क्योंकि 3 साल बाद लिमिटेशन एक्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है, और लिमिटेशन एक्ट में ऐसा कुछ बताया गया है जिसमें कि व्यक्ति के ऊपर 3 साल के अंदर अंदर बैंक एनबीएफसी केस कर सकता है, उसके बाद में केस नहीं कर सकता। क्या ये सही बात है सर? तो देखो दोस्तों, पहली बात तो मुझे उन लोगों की बातों पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है, उन लोगों की बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ। जो व्यक्ति यूट्यूब पर चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन वो लोगों को ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन चेपते हैं जिससे कि व्यक्ति एक बार के लिए संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उसके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो जाता है, उसके फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ हो जाता है, और उसको पता भी नहीं होता ये क्या कर दिया। अब देखो, लिमिटेशन एक्ट अगर हम देखें तो लिमिटेशन एक्ट तो देखिए ये तो कोर्ट पर निर्धारित है कि लिमिटेशन एक्ट वो अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, और लिमिटेशन एक्ट जो है वो किस केस में अप्लाइड होगी ये केस के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। अब पर्टिकुलर आप पे ये जो लिमिटेशन एक्ट है वो लागू हो जाएगी ये तो नहीं हम कह सकते ना। तो देखो, अगर आप भी ये मान करके चल रहे हैं कि आपने 3 साल से या 3.5 साल से कोई पेमेंट नहीं किया है, और आप ये समझ रहे हैं कि आपका पेमेंट जो है वो करने की आपको जरूरत नहीं है, आपका लोन माफ हो गया, कोई रिकवरी कॉल नहीं आ रही है, कोई लोन रिकवरी नहीं होगी क्योंकि लिमिटेशन एक्ट लग जाएगी, तो देखो ऐसी आप गलत फहमी में ना रहें। बैंक एनबीएफसी कोर्ट में जब जाएगा तो ये तो माननीय जज साहब जो है वो अच्छे तरीके से चीजों को समझने के बाद ही डिसाइड करेंगे आखिर क्या मामला है। तो ऐसी जो वीडियोस बनाते हैं उन लोगों से मेरा एक पर्सनली रिक्वेस्ट ये है, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आप ना दें, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दें। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो पूरी तरह से व्यक्ति मैनिपुलेट होंगे, व्यक्ति मिसगाइड होंगे, और आपके मैनिपुलेशन से उनका जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा। अब पता है इनको सबसे बड़ा नुकसान क्या उठाना पड़ा? एक तो 3 साल तक इन्होंने कोई पेमेंट नहीं की, अब इनका इन्होंने बताया भी मुझे कि काम धंधा बिल्कुल बढ़िया हो गया है। अब चाहे तो बैंक एनबीएफसी इनके ऊपर एक फर्जी का केस डाल देती, विलफुल डिफॉल्टर का केस डाल दे, यार इनकी तो मनसा ही फ्रॉड करने की है, पैसा नहीं दे रहे हमारा, बताओ क्या करें, 3 साल से हम इनको वक्त पे वक्त दे रहे हैं लेकिन नहीं दे रहे पैसा। तो ये चीज तो आपको सोचने वाली बात है ना, ये आप सोचते नहीं है, बस जिस यूट्यूबर ने जो कहा मान लिया, भैया मान लिया, ठीक है भैया मानते रहो, और जो आपको सही जानकारी देंगे वही यूट्यूबर आपको बुरे लगते हैं। ये मेरी आप बात अगर बुरा मान रहे हैं ना तो भले ही बुरे मान जाइए, जो यूट्यूबर आपको सही जानकारी देंगे ना वही आपको बुरे लगते हैं। ध्यान रखना, जो यूट्यूबर कड़वी बात कहेगा, जो आदमी कड़वी बात कहेगा ना वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो मीठी बात करके आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। आप अपने सिविल स्कोर को चेक कीजिए, आपके सिविल स्कोर में पूरी तरीके से दिखा देगा कितना एक्टिव है मामला। ठीक है, अभी मैं रिसेंटली एक मेल और पढ़ रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको। लिमिटेशन एक्ट के चक्कर में एक मैम ने और जो लोन है वो पूरे तरीके से अपना डिफॉल्ट कर दिया कि लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा, मैं पेमेंट नहीं करती हूँ। तो भैया ये मत किया करो, ये मैडम कोई दिल्ली से हैं जो मुझे बता रही थी कि ये सब मामला है, मैं भी लिमिटेशन एक्ट के चक्कर में हूँ। भैया ऐसा मत पढ़ो और ऐसी जानकारी मत दो। देखो अगर 3 साल हो चुके हैं और बैंक एनबीएफसी अभी भी लोन को रिकवर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है बैंक एनबीएफसी ने आपके लोन को बट्टे खाते में डाल दिया, आपके लोन को राइट ऑफ कर दिया है,
और राइट ऑफ अगर लोन आपका हो चुका है तो बैंक एनबीएफसी ने किसी दूसरे जो थर्ड पार्टी रिकवरी वाले होते हैं उनको आपका लोन जो है वो बेच दिया है और वो आपसे रिकवरी जरूर करेंगे, चाहे वो 30,000 की करें चाहे वो 50,000 की करें। और उसके बाद में क्या होगा, आपके जो सिविल स्कोर है उसमें ठप्पा लग जाएगा डिफॉल्टर का, और ठप्पा ऐसा लगेगा कि आप उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर पेमेंट करने के बाद भी वो ठीक नहीं होगा, मैंने काफी वीडियोस में आपको बताया है। अब आप बताइए आपको कैसा लगा, अगर आपको लगता है कि भाई हाँ हमारे ऊपर लिमिटेशन एक्ट जो है वो एक्टिव होगी या नहीं होगी, तो आप बेटर तरीके से एडवोकेट से हेल्प लें। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आपको अपना नाम बताना होगा, आपको अपना जो भी इश्यू है वो बताना होगा, और आपको बताना होगा आपको हमसे टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर आपका टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप ये सारी चीजें क्लियर मेंशन करें अच्छे तरीके से। अगर टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए तो सिर्फ आप एक अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं नॉर्मली रूप से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब आप टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट के लिए कहेंगे तो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं कभी कभार मैं भी देख लेता हूँ, तो वो क्या करेंगे आपको अच्छे तरीके से बताएंगे आपके केस के अकॉर्डिंगली क्या एडवोकेट सही रहेगा या फिर कोई जर्नल इन्फॉर्मेशन है, अगर सामान्य इन्फॉर्मेशन है तो वही आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर उन्हें लगेगा कि किसी एडवोकेट के पास में केस जाना है तो वो एडवोकेट की आपको सलाह दे देंगे, और अगर आपके पास में बेटर एडवोकेट नहीं है तो वो बता देंगे कि आप हमसे कनेक्ट होइए, हम आपको एडवोकेट के पास में लेकर के चले जाएंगे, बेटर एडवोकेट आपको बता देंगे। लेकर के जाने का मतलब मेरा सिर्फ ये है आपको कॉल के थ्रू उनसे कनेक्ट करा दिया जाएगा बेटर से बेटर एडवोकेट से, और आप उनसे एड्रेस वगैरह लेकर के उनके पास चले जाना, बात खत्म, आपको अच्छे तरीके से वो गाइड कर देंगे। दिल्ली एनसीआर में तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड भी करा देंगे आपके क्षेत्र में, हालांकि हम कोई खुद लीगल एडवाइजर नहीं है, बट हमारे साथ में मल्टीपल लीगल एडवाइज जो है वो कनेक्टेड है। अब आप इस भ्रम में तो नहीं रहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं कि भाई आपका लोन माफ हो गया है, 3 साल से कोई रिकवरी नहीं हो रही है, 3 साल से आपने पेमेंट नहीं किया है, ये तो आपके मन में नहीं रहेगा भ्रम। अब आपके मन में ये भ्रम तो नहीं रहेगा कि हाँ भाई अब बैंक एनबीएफसी कोई केस नहीं करेगा अगर 3 साल तक कोई रिकवरी नहीं करता है, तो ये भ्रम आप अपने माइंड में मत रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं आप ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। और एक और बात बताना मैं भूल गया इस वीडियो में, आपको ये बात समझनी है आपका लोन कभी माफ नहीं होता अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें सेटलमेंट होता है, और सेटलमेंट में भी क्या होता है फाइनेंशियल डेथ हो जाती है आपकी, फाइनेंशियल डेथ मतलब कोई बैंक एनबीएफसी आपको लोन नहीं देगा, और लोन माफ सिर्फ वही होते हैं जो केसीसी लोन वगैरह होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं चलता हूं, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में।